बेटा, तो प्रीवियस वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार जो लक्षण हैं डेंगू के, है ना, और वो किस प्रकार, जी हाँ, जन्म लेते हैं, है ना। आगे देखिए बेटा, इससे मच्छरों के अंडे नष्ट हो जाते हैं, यानी जब आप कूलर की भली भांति सफाई करोगे और उसमें एक चम्मच पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाल दोगे तो क्या होगा, जी हाँ, उनके जो अंडे जो उसमें दिए रहेंगे पानी में, वो नष्ट हो जाते हैं। ओके, छत पर रखी पानी की टंकियों के ढक्कन भी अच्छी प्रकार से बंद कर देने चाहिए। और अगर आपकी छत पे पानी की टंकियां हैं, है ना, अगर ढक्कन उसका खुला हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, उसके ढक्कन को अच्छी प्रकार से बंद कर देना चाहिए, ताकि उनमें पानी हमेशा भरा ही रहता है। और भरा रहेगा तो क्या होगा, जी हाँ, ये अपने अंडे देंगे उसमें जाके, इस प्रकार इन मच्छरों का जन्म होगा, है कि नहीं। आगे देखो, पानी रखने वाले मर्तबानों, बर्तनों, बाल्टियों आदि को प्रतिदिन साफ करके ढक कर रखना चाहिए। और जिन बर्तन में, है ना, घरों के यूज़ के लिए पानी रखा जाता है, चाहे पीने के लिए, चाहे खाना बनाने के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए, जी हाँ, प्रतिदिन साफ करके उस बर्तन में पानी भरना चाहिए और पानी हमेशा ढक कर रखना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए, एक बात हम सभी को अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के आसपास के क्षेत्र में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। और एक जो सबसे ज़रूरी बात बेटा, अगर बरसात होने वाली हो या बरसात का मौसम आने वाला हो, तो आपको क्या करना है, जी हाँ, अपने आसपास आप क्या कीजिए, जी हाँ, जिन जगहों में पानी इकट्ठा होने वाला होता है उन जगहों में या मिट्टी भरवा दीजिए, या कहीं कोई ऐसे जैसे टंकियां फेंकी रहती हैं, बाल्टियां फेंकी रहती हैं, तो आपको क्या करना है, उन सबको, जी हाँ, नष्ट कर देना है या उसको दूर जाके कहीं पे फेंकवा दीजिए, ताकि आपके घर के आसपास क्या हो, इस प्रकार के जो मच्छर हैं वो जन्म ना ले पाए। ठीक है, यदि कहीं पर रुका हुआ पानी निकालना संभव ना हो, तो उसमें सप्ताह में एक बार मिट्टी का तेल अवश्य डाल देना चाहिए। और अगर आप देखते आपके गली मोहल्ले में, है ना, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी निकालना संभव नहीं है, ज़्यादा दिन तक पानी उसमें रह सकता है, आपको क्या करना है, जी हाँ, उसमें आप लोग सप्ताह में एक बार मिट्टी का तेल अवश्य डाल दें, ताकि उनके जो अंडे उसमें दिए रहते हैं वे नष्ट हो जाएँ। ठीक है, बरसात के मौसम में डेंगू के मच्छरों के साथ साथ अन्य मच्छरों के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब बरसात का मौसम आता है तब देखिए, जी हाँ, क्योंकि पानी रुकता है और पानी के ऊपर ही जो मच्छर हैं वो क्या करते हैं, मादा मच्छर अंडे देते हैं। और ये अगर, जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा दिन तक पानी अगर बरसता रहेगा और पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है, तो इनके जैसे जन्म लेने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार बेटा आपको क्या करना है, जी हाँ, अपने अगल बगल और साफ़ सफाई रखिए, है ना, मिट्टी के गड्ढे वगैरह में भरवा दिया कीजिए, कोई ऐसा सामान आपके आसपास ना हो जहाँ जिसमें कि पानी इकट्ठा होने की संभावना हो, है कि नहीं। इसलिए ऐसी वस्तुएं जिन्हें बरसात का पानी जमा हो सकता है, खुले रूप में छतों पर तथा घर के आसपास नहीं रखने चाहिए। और आपको पता है कि जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है, ऐसे, है ना, जो सामान है उनको ना छत पे रखिए, ना अपने घर के आसपास ही कहीं रखने चाहिए। टूटे फूटे बर्तन, कप, टायर, गमले आदि में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। और देखिए, लोग क्या करते हैं, गाड़ी बनवाते हैं, टायर ऐसे फेंक देते हैं, गमले छत पे ऐसे पड़े रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जी हाँ, पानी ही तो इकट्ठा होता है, है ना, टूटे फूटे बर्तन छत पे पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार बेटा, ऐसे चीज़ें अगर छत पे रहेंगी, तो उसमें क्या, पानी, बारिश होगी, पानी इकट्ठा होगा, उनमें इस प्रकार के मच्छर जन्म लेंगे, है कि नहीं। तो आप, अगर आप साफ़ सफाई रखोगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का भी छिड़काव करवाना चाहिए। और समय समय पर क्या, कीटनाशक मतलब जो कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएं, है ना, इनका छिड़काव भी समय समय पर करवाना चाहिए। इन सुरक्षात्मक कदमों को उठाकर डेंगू के प्रकोप से बचा जा सकता है। और इस प्रकार के अगर आप सावधानियां बरतेंगे, तो आप, जी हाँ, डेंगू के प्रकोप से बचे रहेंगे, है ना बेटा। आगे देखिए बेटा, शब्दार्थ है रक्तपान, खून चूसना, लार ग्रंथियाँ लार निकालने में सहायक, लार्वा अंडे के विकसित होने की दूसरी अवस्था, प्यूपा अंडे के कीड़े के रूप में बदलने की तीसरी अवस्था, हौदी मिट्टी के चौड़े मुख का बड़ा पात्र या नांद, मर्तबान शीशे या चीनी मिट्टी का पात्र, प्रजनन काल अंडे देने का समय, रोगाणु रोग के कीटाणु, संक्रमित रोग से पीड़ित, कीटनाशक कीड़ों मच्छरों को मारने वाला,
प्रकोप कहर। ठीक है बेटा, तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जी हाँ, एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास कार्य। ठीक है बेटा, ओके।